अभी निकली हूँ मकर ध्वज के लिए। मतलब पता नहीं उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, मतलब ये जगह के बारे में, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कहाँ है क्या है, तो देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा। अब जाने के लिए हाँ एक रिक्शा पूछ लेते हैं। हम तीन जन है, कैसे जाना है वहाँ पे? ऑटो में जाना पड़ेगा हनुमान मंदिर। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर, ओके। मकर ध्वज वो ऐसा स्थान है जहाँ पे हनुमान जी के बेटे जो है मकर ध्वज, उनकी मूर्ति उन हनुमान जी के साथ है। चलिए देखते हैं ऐसा ही अनोखा संगम, अनोखी मूर्ति। चलिए मकर ध्वज चलते हैं। यहाँ पे मकर ध्वज जो हनुमान जी के पुत्र हैं उनकी और उनके पिता की, मतलब हनुमान जी की भेंट हुई थी, और यहीं पे जो दो असुर थे महिरावण और अहिरावण, इन दोनों का विनाश भी यहीं पे करने के लिए आए थे, क्योंकि जो राम और लक्ष्मण थे उनको यहाँ पे कपट के द्वारा लाया गया था ताकि युद्ध में रावण की हार ना हो। अब हम देखते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे जो कहानी है उसको जान लेते हैं। और ये अपने हनुमान जी का, महाराज जी का प्राचीन मंदिर है, डांडी वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मकर ध्वज का मंदिर है इसकी क्या विशेषता है, क्या आप बता पाएंगे? हनुमान जी मकर ध्वज की विशेषता ऐसी है कि वे पाताल से स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं। मेरे यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति ने जैसे प्राण प्रतिष्ठा किया मंदिर बनाया उस प्रकार का नहीं, स्वयं प्रकट हुए हैं। एक चावल के दाने के समान मकर ध्वज ऊपर आ रहे हैं और हनुमान जी नीचे जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो है हनुमान जी नीचे जा रहे हैं और मकर ध्वज ऊपर उठ रहे हैं, उसकी क्या मतलब खासियत है, ये अलग क्या है? खासियत ऐसा है कि लोगों का कहना ये है, बुजुर्गों का, कि हनुमान जी जितने समय नीचे पाताल में पूरे चले जाएंगे उतने समय प्रलय काल, मतलब जिस दिन ये मूर्ति पूरी नीचे जाएगी हनुमान जी की उस दिन प्रलय होगा। जी, आने वाले व्यक्तियों का, दरेक व्यक्ति का ऐसा कोई सौभाग्य से उसके नसीब में ही वो चीज़ न हो कि ठाकुर जी की न वो हो, तो बात एक अलग की। बाकी कोई भी व्यक्ति इस दरबार से अथवा द्वारकाधीश के दरबार से कोई विमुख नहीं गया। और ये 24 किलोमीटर का टापू है। यहाँ सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं सब वहीं से आती हैं, जामनगर से। इतना बड़ा कोरोना लॉकडाउन हुआ, सबको ठाकुर जी ने व्यवस्थित जैसे हो सका वैसे उन्होंने रखा। अब इतने समय फिर चैन हो गया तो सब लोग अपने आनंद से फिर विचरने लगे। ये यहाँ की बात है और ये यहाँ की वास्तविकता है। हमारा नाम नीरज कुमार शुक्ला है, हम यूपी उत्तर प्रदेश जिला हरदोई के रहने वाले हैं। यहाँ से 22 साल हो चुका है ठाकुर जी की सेवा करते हुए, सब ठाकुर जी का ही, उन्हीं का खाना और उन्हीं का पीना, उन्हीं के मकान में रहना, ये अपना सौभाग्य है। Beep.
बेट द्वारका से अभी द्वारका की तरफ जा रही हूँ। बेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मकर ध्वज मंदिर में भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत सी जानकारी ऐसी मिली है जो मतलब कुछ अनसुनी थी, और अब मैं जाऊँगी द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश को देखने के लिए, जहाँ पे कहते हैं वो उनका राजपाट चलाते थे, तो अब वहाँ जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यात्रा में इतना कुछ सीखने मिल रहा है, इतना कुछ जानने मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है जो कभी सुनी ही नहीं है, अनसुनी कहानी मिल रही है। तो बनी रहिए मेरे साथ मनाली एंटायर ट्रेल्स, नए रास्ते, नए पड़ाव, न्यू रोड्स, न्यू डेस्टिनेशंस।